परीक्षा कक्ष द्वारा इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी और आरटीटेक के प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है, लेकिन सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोमवार और मंगलवार को भी काम न हो सका। यही वजह रही कि सेतु सुविधा द्वारा केंद्रों पर छात्रों के दस्तावेज की पड़ताल की तिथि 22 जून तक बढ़ा दी गई है। दो दिन से जिन छात्रों का वेरिफिकेशन अटका हुआ था उन्हें बुधवार को बुलाया गया था, लेकिन सुबह के वक्त से खासी दिक्कतें आई। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है वो तुरंत ही हैक हो जाती है। इस वजह से छात्रों की लंबी कतार लग गई। कुछ सेतु केंद्रों पर तो आगरा तभी देता माहौल देखने को मिला। छात्रों और पालकों का मार्गदर्शन करने वाले भी नजर नहीं आए। छात्रों के साथ आने वाले पालकों को भी मशक्कत करने पड़ी। इन दिनों भीषण गर्मी के दौर जारी है, इससे सर्वर की गड़बड़ी ने और परेशान कर रखा है। J&K बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज के घर पर छापे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के घर ACB ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद को हटा दिया था। J&K बैंक में गड़बड़ी को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा बार बार पत्र भेजे जाने के कारण अहमद को हटा दिया गया था। उनके स्थान पर RK चिप्पर को बैंक अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अहमद को 2016 में बैंक का चेयरमैन बनाया गया था। गोदाम से चोरी किया 17 लाख का माल। सूर्यनगर इलाके में एक गोदाम को खाली करवाने के लिए कुछ लोगों ने ताला तोड़ कर 17 लाख रुपए का माल गायब करा दिया। कलन्ना पुलिस ने वर्धमान नगर निवासी रमेश भट्ट की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। रमेश सूर्यनगर के प्लॉट क्रमांक 222 बार दाने का गोदाम है। यह जगह उन्होंने किराए पर ली है। सोमवार की रात झाड़े भवन छत्रपुर नगर चौक के निवासी राजेंद्र झाड़े ने गोदाम पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने का प्रयास किया था। साथियों की मदद से गोदाम की शटर का लॉक तोड़कर भीतर प्रवेश किया। 15 लाख रुपए के बारदाने, 600 के बंडल और बारदाने सिलने की 5 मशीनें सहित 17 लाख रुपए का माल चोरी किया। रमेश ने कलमना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने झाड़े सहित अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच आरंभ की है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।